मैजिकल एट व्हील्स ऑरेंज ट्रैक्टर। एक दिन बहुत सारे किसान अपने अपने ट्रैक्टर्स पर बहुत सारे संतरों को मार्केट में बेचने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहीं पर अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तूफान आ जाता है और बिजली गिरने लगती है। सभी किसान बहुत डर जाते हैं। उनमें से एक किसान, जल्दी से यहाँ से निकलने की करो, बाढ़ आने का खतरा है। वैसे बाकी किसान तो अपने ट्रैक्टर्स को भगाकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन एक सौरभ नाम के आदमी का ट्रैक्टर खराब हो जाने के कारण वहीं पर ही रुक जाता है। इसको भी अभी खराब होना था, पिताजी ने कहा भी था कि इसे ठीक करवा लो। और वहां पर बाढ़ आ जाती है जिसकी वजह से उसका ट्रैक्टर डूब जाता है और सारे संतरे खराब हो जाते हैं। और सौरभ एक पत्थर के ऊपर खड़ा होकर मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, मेरा ट्रैक्टर भी डूब गया और सारे संतरे भी खराब हो गए। वैसे दूर से एक संतरा तैरता हुआ आ रहा होता है सौरभ उसे देखकर। काश ये संतरा अगर बड़ा हो जाता तो मैं यहाँ से इस पर बैठकर निकल जाता। बस उसके कहने की ही देर होती है और वो संतरा एक जॉइंट संतरे में बदल जाता है और सौरभ जल्दी से उसके ऊपर जंप कर देता है। थोड़ा आगे जाते ही वो संतरा गायब हो जाता है और सौरभ भी। वैसे सौरभ एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे संतरे के पेड़ों की लाइन लगी होती है और सामने एक जादूगर बैठा होता है। वहीं सौरभ, ये कहां मैं आ गया हूं, यहां पर तो बहुत सारे संतरे के पेड़ हैं और सामने तो कोई जादूगर जैसा दिखने वाला लग रहा है, चलो उसके पास जाता हूँ और यहाँ से निकलने का रास्ता पूछता हूँ। वो उस जादूगर के पास चला जाता है। वहीं वो जादूगर सौरभ से, आओ मानव, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार क्यों था, कृपया करके मुझे अपनी धरती पर भेज दें, मुझे पता नहीं है कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। डरो मत, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, उस संतरे को मैंने ही भेजा था। उनकी ये बातें चल रही थी तभी वहाँ पर बहुत ही विशाल राक्षस अपनी सेना को लेकर आ जाता है। वो उस जादूगर से, कहाँ चली गई तुम्हारी सेना, लगता है मेरे आने का उन्हें पता चल गया और यहाँ से निकल गए। मुझे ये संतरे के पेड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इनको अभी नष्ट कर देता हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, ये संतरे के पेड़ कोई साधारण संतरे के पेड़ नहीं है। वो राक्षस उस जादूगर की बात नहीं मानता और उन पेड़ों को नष्ट करने लग जाता है और उस जादूगर को वहां पर कैद करके, और एक राक्षस सौरभ को धरती पर ले आता है और उसकी वहां की जादुई दुनिया की याददाश्त को मिटा देता है। मोहन वहां पर बेहोश हो जाता है, वो राक्षस वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ सौरभ का दोस्त मनीष, वो एक व्यापारी था और सौरभ का वेट कर रहा था। आज तो सौरभ मेरे पास संतरी लेकर नहीं आया है, क्या बात हो सकती है। वो मनीष उसके पिता के पास जाता है और सौरभ का पूछता है, पता नहीं बेटा, मुझे भी उसकी बहुत चिंता हो रही है, अभी तक वो घर क्यों नहीं लौटा है। मनीष सौरभ को बहुत ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार सौरभ उसे मिल ही जाता है। बाद में जब सौरभ को होश आता है, अरे यहाँ पर तुम बेहोश क्यों पड़े थे, क्या हुआ तुम्हारे साथ। बस मुझे इतना याद है कि बाढ़ आने की वजह से सारे संतरे खराब हो गए और मेरा ट्रैक्टर भी। वो जादुई संतरा अभी भी सौरभ के पास होता है और सौरभ की ये बात सुनते ही वो सौरभ के उस ट्रैक्टर को एक जॉइंट एट व्हील ऑरेंज ट्रैक्टर में बदल देता है। सौरभ एट व्हील ऑरेंज ट्रैक्टर को देखकर बहुत खुश हो गया। उस राक्षस के जादू का असर सौरभ पर खत्म हो जाता है और उसे सब याद आने लग जाता है। अरे ये मुझे तो लगता है कि ये वही संतरा था जिसने मेरे ट्रैक्टर को एट व्हील ऑरेंज ट्रैक्टर में बदला है। और हाँ, उस बेचारे जादूगर को तो उस दुष्ट राक्षस ने कैद कर दिया था, उसकी मदद करने के लिए मुझे जाना होगा। कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम। सौरभ उस एट व्हील ऑरेंज ट्रैक्टर पर बैठ जाता है और वहां से गायब होकर और दोबारा से उस जादुई दुनिया में पहुंच जाता है और उस जादूगर को छुड़ाता है। वो बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, उसकी कैद से आजाद होना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
जायंट मैजिकल ऑरेंज ट्रैक्टर। एक दिन अंकित नाम का व्यक्ति अपने ट्रैक्टर पर बहुत सारे संतरे लेकर मार्केट में बेचने के लिए जा रहा होता है, तभी अचानक वही सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। उस ट्रक के ड्राइवर ने दारू पी रखी थी, जिसे उसको समझ नहीं आया और संतुलन बिगड़ने की वजह से सीधा अंकित की तरफ आने लगता है। अंकित अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंकित बेचारे के सारे संतरे वहीं पर गाड़ियों और बाइक्स के नीचे आकर खराब हो जाते हैं। अंकित बहुत परेशान हो जाता है। अंकित बहुत दुखी था। वैसे अंकित एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैंने इतनी मुश्किल से इन संतरों को उगाया था, आज का तो दिन ही खराब है, मेरा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। बाद में अंकित जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो उस पेड़ को पानी देने लगता है और कुछ टाइम के बाद वो एक जादुई संतरे का पेड़ था। वो पेड़ एकदम तरोताजा हो जाता है और वो जादुई संतरे का पेड़, इतने सालों बाद मेरी किसी इंसान ने मदद की है, आज तुमने मुझे पानी डालकर उस शैतानी राक्षस के शराब से मुझे मुक्त कर दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन वो राक्षस कौन था और उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारी उस जादुई दुनिया में मेरी तरह के और भी जादुई संतरे के पेड़ों पर उसने हमला कर दिया था और सभी की शक्तियाँ छीन ली थीं और मुझे उसने यहाँ धरती लोक पर भेज दिया था, लेकिन अब मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ गई हैं, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये लो, ये एक जादुई संतरा है, अगर तुम किसी मुसीबत में होंगे या किसी की मदद करने के लिए ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। वैसे एक ललित नाम का आदमी कहीं जा रहा था तो वहीं उसके थोड़ा आगे जाते ही कुछ शैतानी जादूगर आ जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। ललित उनकी बातें सुनने लग जाता है। वो शैतानी जादूगर, यहाँ धरती लोक पर किसी मानव से ही हमें मदद लेनी होगी। वो जादुई संतरे के पेड़ को हमने बहुत ढूंढ लिया है, लेकिन वो हमें नहीं दिख रहा है। ललित लालच में आकर उनके पास चला जाता है। देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे उसके बदले कुछ दोगे तो, क्योंकि मैं एक आविष्कारक हूँ और मैं कुछ भी बना सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लगता है तुम हमारी बातें सुन रहे थे। हमें एक जादुई संतरे के पेड़ की तलाश है। वो अब फिर से जिंदा हो गया है। वो अब बहुत ही शक्तिशाली बन गया है, इसीलिए हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। उसके पास बहुत ही ज्यादा शक्तियां हैं और हम उससे वो सारी शक्तियां छीन कर ही रहेंगे। और बताओ तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो? ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे उस मैजिकल ऑरेंज ट्री की कुछ शक्तियाँ दोगे तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक ऐसी डिवाइस बनाऊंगा जिससे उस जादुई संतरे के पेड़ को तुम देख पाओगे, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। जल्दी से वो डिवाइस बनाओ। ललित कुछ दिनों के बाद वो डिवाइस बना लेता है जिससे वो उस पेड़ को देख सके। और बाद में ललित उस जादूगरों के पास जाकर, देखो ये वही डिवाइस है जिससे तुम उस जादुई संतरे के पेड़ को ढूंढ पाओगे। ठीक है, ज्यादा हमारा समय बर्बाद मत करो और उस पेड़ को इस डिवाइस से देखो। उस डिवाइस से ललित उसे देखने लग जाता है और उसे वो जादुई पेड़ दिख जाता है। वो रहा जादुई संतरे का पेड़, सामने जो पत्थर पड़ा है उसके साथ ही वो पेड़ ठहरा है। बाद में वो जादूगर, आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे, तुम्हें हम देख सकते हैं, आज समझो तुम्हारा काम तमाम। वहाँ वो संतरे का पेड़, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ, जो करना है करो। वो शैतानी जादूगर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस पेड़ पर कोई भी असर नहीं होता। अभी तो सिर्फ हम दो हैं और अगर आज नहीं तो कल एक बड़ी सेना को लेकर आएंगे, फिर तो तुम हमसे नहीं बच पाओगे। और वहाँ अंकित, आज तो उस जादुई संतरे के पेड़ के पास जाता हूँ, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। अंकित उस पेड़ के पास जाता है तो वो पेड़ उसे सारी बात बताता है कि वो जादूगर फिर से उसे मारना चाहते हैं। देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन फिर से वो शैतानी जादूगर एक बहुत बड़ी सेना लेकर आ जाता है और उस संतरे के पेड़ पर हमला करने लगते हैं। वो संतरे का पेड़ भी अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करता है और अंकित भी उसे मुश्किल में देखकर, यही सही टाइम है इस जादुई संतरे को इस्तेमाल करने का। बस वो एक जायंट मैजिकल ऑरेंज ट्रैक्टर में बदलकर उन पर हमला करता है। वो मैजिकल ऑरेंज ट्रैक्टर
बहुत ही शक्तिशाली था जिसकी वजह से उसने सभी को नष्ट कर दिया।